बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है वर्ड आर्ट के रूप में। वर्ड आर्ट पे जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने काफी सारे टेक्सटाइल आ जाएंगे। जैसा टेक्सटाइल आपको चाहिए वैसे उस पर क्लिक कर दीजिए, आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। उस टेक्स्ट स्टाइल जो आपने लिया था उसमें वो दिखाई देगा। जैसे आप टेक्सटाइल पे क्लिक करते हैं आपके सामने ड्राइंग टूल के अंदर का फॉर्मेट में फिर से एक बार आ जाएगी, जिसमें आप शेप्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने पहले शेप्स को चेंज किया था, इसके अतिरिक्त आप उसको स्टाइल भी दे सकते हैं शेप का, और शेप की फिलिंग कलर्स जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले टेक्स्ट बॉक्स के लिए किए थे, शेप आउटलाइन और शेप इफेक्ट्स भी आप इसे दे सकते हैं। तो इस तरह से सारे ऑप्शन उसी प्रकार के हैं जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स में थे, इस तरह से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है सिग्नेचर लाइन के रूप में। आप क्लिक करें इस पर, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं नीचे वाले ड्रॉप डाउन बॉक्स पे, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऐड सिग्नेचर सर्विसेज जिसके लिए ऑनलाइन सहायता चाहिए, और माइक्रो ऑफिस सिग्नेचर लाइन। आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास जैसे आप ओके करते हैं आपके पास सजेस्टेड साइनर के लिए जगह बन जाती है। आप यहाँ पे उस व्यक्ति जिसने साइन करना है उसका नाम टाइप कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ये जानकारी कर दी है। जैसे मैं ओके करता हूँ मेरे पास पूरा का पूरा एक बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें इसको मैं कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ। शीट में डेटा भर के मैं फिर नीचे साइन कर सकता हूँ, जिसके पास टाइटल और डेजिग्नेशन का नाम आ गया है और जगह आ गई है साइन करने के लिए। इस तरह सिग्नेचर लाइन का प्रयोग मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट का अर्थ है एक सॉफ्टवेयर के अंदर भीतर दूसरे सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना। जैसे हम लोग एक्सेल का प्रयोग कर रहे हैं तो हो सकता है हमें यहाँ पे वर्ड की आवश्यकता हो या पेंट की आवश्यकता हो। इसके लिए हमें अलग से पेंट में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हम पेंट के सारे टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं या वर्ड के सारे टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए केवल इतना करना है, आप क्लिक करें जहाँ ऑब्जेक्ट डालना है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें। देखिए जितने सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं उनकी जानकारी आपके पास आ गई है। मान लीजिए मैं वर्ड का डॉक्यूमेंट चाहता हूँ, मैं क्लिक करके इसे जैसे ओके करता हूँ तो मेरे पास जो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एनवायरनमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ध्यान से देखें तो ये सारा एनवायरनमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एनवायरनमेंट में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पे मैं वर्ड के सभी टूल्स का उपयोग कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इस बॉक्स के बाहर क्लिक करता हूँ मैं फिर से एक्सेल में वापस आ जाता हूँ। जैसे ही दोबारा डबल क्लिक करता हूँ इसमें फिर से मैं वर्ड वाला एनवायरनमेंट खोल सकता हूँ। इस तरह से आप एक सॉफ्टवेयर के भीतर दूसरे सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास सिंबल्स में है इक्वेशन के रूप में। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो इक्वेशन सिंबल का प्रयोग करके आप कोई भी इक्वेशन शो कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने इक्वेशन पे क्लिक किया है वो इक्वेशन मेरे पास मेरी शीट पे इंसर्ट हो जाएगी। देखिए मेरे पास इक्वेशन इंसर्ट हो गई है। इस तरह से इस इक्वेशन का प्रयोग मैं अपने मैथमेटिकल नोटेशंस के लिए कर सकता हूँ। इसी तरह में देखिए सिंबल, अगर मैं किसी तरह का सिंबल चाहता हूँ अपनी वर्कशीट में तो सिंबल पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। सिंबल्स के रूप में आपके पास काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। जैसा सिंबल आपको चाहिए वैसा क्लिक करके इंसर्ट कर दीजिए, वो सिंबल अवेलेबल हो जाएगा आपकी फाइल में। इसके अतिरिक्त यहाँ पे अगर आप फॉन्ट बॉक्स पे क्लिक करें, यहाँ पे सबसे नीचे जो W से शुरू होने वाले सिंबल्स हैं मुख्यतः, उनमें आपको डिफरेंट या अलग तरह के सिंबल्स मिल जाएंगे जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ओम का सिंबल लेके इंसर्ट कर लेता हूँ। देखिए मेरे पास ओम का सिंबल इंसर्ट हो गया। इसका मैं साइज होम पे जाके साइज बड़ा कर सकता हूँ और इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। इस तरह से इन सिंबल्स का प्रयोग मैं कर सकता हूँ इंसर्ट के द्वारा।